जम्मू कश्मीर के बड़े मुद्दों में से एक और मुद्दा है जिसे कहा जाता है कि डेली वेजर्स को पक्का कब करोगे। जी हाँ, डेली वेजर्स लगातार प्रदर्शन करते हैं और इनके बारे में हर कोई बात करता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट सनीकांत चिप जी, जो अक्सर डेली वेजर्स को लेकर बातचीत उठाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बातचीत उठाते हैं और साथ साथ जितने भी करंट इश्यूज रहते हैं उनको लेकर आवाज उठाते हैं। चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं कि इस बार इनका क्या कुछ कहना है, क्या इनका क्या ये डेली वेजर्स पर कहेंगे। आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जैसे कि आपने सबसे पहले बात की हमारे डेली वेजर भाइयों की, देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ही पुराना मुद्दा है, बहुत ही एक मतलब कि कहता ना, मतलब एक मासूम, एक बहुत ही हिलाने वाला मुद्दा है हमारे अस्थाई कर्मचारियों को लेके, डेली वेजर्स को लेके। जब भी हमारी पॉलिटिकल एजेंडे के अंदर कोई भी मैनिफेस्टो बनता है तो डेली वेजर परमानेंट करो या अस्थाई कर्मचारियों को पक्का करने की बात जो है वहां पर लाई जाती है, और वो पॉलिटिकल लीडर उनको यूज करके उनसे वोट लेके अपनी सरकारें बना के कुर्सियों में बैठ जाते हैं। तो और उनके जो मुद्दे हैं, जहां उनकी जो परमानेंट की, जहां उनकी मिनिमम वेजिस एक्ट की जो बात है, वो सिर्फ आश्वासन आश्वासनों पेपरों के अंदर रहती है, जिसके चलते वो मासूम लोग बेचारे आज भी दर बदर हैं अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। वो पॉलिटिकल लीडर अपनी कुर्सी को बचाने के लिए एक दूसरे का गला पकड़ते हैं, एक दूसरे पे ताने तचते हैं, एक दूसरे के साथ हाथापाई पे भी आते हैं, और अपनी कुर्सी अपनी सत्ता चमकाने के लिए गरीब को कुचलने का काम भी वो करते हैं। लेकिन जो उनका इंसाफ है वो अभी तक पूरा नहीं कर पाते। और रही अस्थाई कर्मचारियों की, डेली वेजर्स की आवाज जो है, इनको शायद लगता होगा कि चुप करके वो बैठ गए, चुप करके ना वो बैठेंगे ना हम बैठने वाले हैं। अस्थाई कर्मचारियों का जो मुद्दा है हमेशा उजागर रहेगा तब तक जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। क्या लगता है कि आने वाले इलेक्शंस तक जो है इन लोगों को पक्का कर दिया जाएगा ताकि वोट बैंक जो है इस सरकार का मजबूत हो पाए? मैं एक बात बोलूं आपके चैनल के माध्यम से, ऐलान करता हूं आज, ये जो मुद्दा है अगर इन्होंने इलेक्शन से पहले पहले हल नहीं करवाया, 2024 की जो इलेक्शन है, चाहे कोई भी इलेक्शन यहाँ पे होगी, चाहे छोटी सरपंची पंची की होगी, चाहे कॉरपोरेशन की होगी, चाहे असेंबली की होगी, अगर मुद्दा हल नहीं करवाया, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलो हर एक डिस्ट्रिक्ट और तहसील में जाके वो 47 डिपार्टमेंट के ऑल डेली वेजर से आग्रह करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि टोटल बाइकॉट किया जाए इन सरकारों को जो आपकी सुनवाई आज तक नहीं सुनते। अगर परमानेंट करोगे तो आपको इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हमारे वो सारे लोग जो है वो साथ देंगे। अगर आपने नहीं किया, टोटली बाइकॉट जम्मू कश्मीर के अंदर आपके लिए होगा, और जो जुमलेबाजी आप यहां पे करते हो वो आपके जुमलेबाजी बंद होगी, क्योंकि आपने बहुत आश्वासन दे दिए, तारीख पे तारीख दे दी, डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने का प्रक्रिया आपने रखा शुरू, लेकिन खत्म आपने नहीं किया। लेकिन जब तक अब तक हमारा वो आंदोलन शुरू होगा, पहले भी कह चुका हूं, इस आंदोलन में अब रुकेंगे नहीं, ना ही झुकेंगे, सिर्फ उनको परमानेंट और मिनिमम वेजिस एक्ट लागू करवाने की जो बात है वो रखी जाएगी। चलिए, परमानेंट कब किया जाएगा ये तो अभी फिलहाल पता नहीं, लेकिन हाँ, 5 मरला जमीन जो है वो जरूर दी जाएगी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। क्या लगता है इसको लेकर आप? देखिए, जैसे आपने बोला कब किया जाएगा, परमानेंट भी किया जाएगा, सब कुछ होगा, ये मुमकिन हम करवा के रहेंगे। रही बात 5 मरले की, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर इतने मसले मिसाइल हैं वो तो हल कर नहीं सकते, और 5 मरले का नया जुमला लेके जम्मू कश्मीर के अंदर अब एंटर हो चुके हैं। अब उन मासूमों के पास अब वोट किस तरीके से मांगे? 5 मरले का प्लाट का धोखा जो है वो उनको देने के अब जो है वो कार्य कर रहे हैं। और लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की पब्लिक है, उनके पास जमीनें भी हैं, उनके पास घर भी हैं, चाहे टूटे हैं, आपने तो देने हैं नहीं उनको। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज भी फाइलें वैसी पड़ी हैं, रिफ्यूजी हमारे आज भी वैसे पड़े हैं, POJK के हों चाहे हमारे कश्मीरी पंडित माइग्रेंट हो, उनके तो आपने कभी सीधा नहीं करना, लेकिन आपने जुमले जो हैं वो आए दिन किसी न किसी तरीके से निकाल रहे हैं। और रही बात हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को सही करवाने की या सही चीज देने की, वो आप आज तक नहीं पूरा करवा पाए। 2014 में सेंटर के मंत्री राजनाथ सिंह जी ने और हमारे वहां के आरसपुरा के मंत्री ने खुद कहा था कि बॉर्डर एरिया के लोगों को जो है 5-5 मरले का प्लाट देंगे, वो 14 से लेकर 23 तक, आज तक तो वो प्लाट कहीं दिखा नहीं, ना वो कॉलोनी हमें दिखी। और रही बात रिफ्यूजियों के पैसों की, 5.5 लाख रुपए 2014 से सेंक्शन हुआ, आज तक वो दे के आदों को मिला और बाकी वाली पेमेंट आज तक नहीं मिली। वो जो आप बोलते थे 15 लाख रुपए खाते में डालने का, वो तक नहीं आज किसी के खाते में 15 रुपए भी आए। और आप कहते हैं कि हेल्थ कार्ड किसी हॉस्पिटल में चलता है, किसी में स्पासें चलती है, किसी में चलता ही नहीं। तो बात करते हैं, हमने बहुत और काफी कुछ है आपकी ये चीजें गिनवाने के लिए, लेकिन आपके पास दम हो सच्चाई को सामने करने का तो आइए मैदान में। मैं बोलता हूं, सामने चैलेंज करता हूं आपके मीडिया के सामने से, आइए मैदान के
मैदान में मेरे साथ, मैं घर दिखाऊंगा जिनके पास छत नहीं है, जिनके पास फाइलें बंद। वो कहते हमने बहुत कुछ कर दिया, हमने डेवलपमेंट कर दी, हमने G20 करवाया, बिल्कुल सक्सेस गया, कश्मीर में जो है बिल्कुल सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है। देखिए G20 करवाया अंडर सिक्योरिटी पूरा पैक करके, वो G20 दिखाया गया और कश्मीर वैली को उजागर किया। टूरिज्म को अच्छी बात है, करनी चाहिए, जम्मू प्रोविंस में उनको दिखता नहीं। और रही बात जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर ये सच्चे हैं ना, कुर्सी में बैठ के अंदर ऑफिसों के बैठ के बातें करते हो, अगर आप ईमानदार और सही हो, आ जाइए फिर मैदान में, बॉर्डर के लोगों के पास गांव-गांव में आओ, जिनकी हालात इतनी बुरी है उनके सामने ये बात करो, फिर जाके मानूंगा कि आप सच्चे लीडर हैं। और आश्वासन नहीं, जुमलेबाज नहीं, आप लोग वहां आइए, हमारे साथ आइए, उन घरों में, उन फैमिलीज में जो आज जूझ रहे हैं, जो लड़ रहे हैं अपनी उस लड़ाई के लिए कि ना घर होने से बेघर हैं, राशन नहीं होने से बिना राशन के हैं, उनके पास बच्चों के पास पढ़ाने के लिए फीस तक नहीं, उनके पास अपने माँ बाप को या खुद की बीमारी से जूझने के लिए पैसे तक नहीं, उनकी बात करिए और एक जुमले बात मत करिए। एम्प्लॉयमेंट को लेकर आपकी क्या राय रहेगी? मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर का हर एक नौजवान मुलाजम है, हर एक को इन्होंने नौकरी दे दी, सब नौकरी लग गए, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो मतलब कि मुझे एक बात बताइए, पढ़ाई तो अपने दम से कर रहा है ना बंदा, नौजवान पढ़ाई अपने आत्मनिर्भर से कर रहा है, अपनी काबिलियत से कर रहा है, और टेस्ट भी अपने काबिलियत से देगा और पास भी अपने काबिलियत से होगा, किसी की काबिलियत नहीं। लेकिन हाँ, स्कैम ये लोग करेंगे, स्कैम का प्रक्रिया ये लोग लाएंगे, सिफारशी ये लोग लाएंगे, तो कहाँ आपका आत्मनिर्भर, मुझे बताइए। आत्मनिर्भर हमारे नौजवान हैं, आज भी चुप करके बैठे हैं बेचारे, इतना कुछ होने के बावजूद भी, लेकिन आप लोग उनके साथ भी खिलवाड़ करते हो, फ्यूचर के साथ भी खिलवाड़ करते हो आप। आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आखिर में यही कहना चाहता हूँ, सोई हुई जनता हमारी जम्मू कश्मीर की, जागने का काम करें, जुमले जितने भी हैं आपके उनको देखिए और समझिए, क्या बोला और क्या दिया, क्या कहा और क्या कर दिया, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो हो रहा है उसको रोकने का, उसका साथ देने का जो कार्य है वो हमारा साथ दें, क्योंकि जागना पड़ेगा। अगर आज नहीं जागेंगे तो जम्मू का मुस्तकबिल वो जो है अंधेरे अंधकार में जाएगा, जम्मू का फ्यूचर जो है वो तबाह होगा, और हमारी महाराजा हरि सिंह की जो धरती है, जो एक लाइन पे चलती थी, जहाँ हर एक को लेके चलती थी, वो खत्म होने के कगार पे। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे सन्नी कांत चिप जी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, अक्सर रिसेंट मुद्दों पर बातचीत करते रहते हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जम्मू कश्मीर को जो है इस सरकार ने सोच लिया है, ठान लिया है कि